ही फायदे लेने के लिए मैं ही आती हूँ सुबह दूध लेने के लिए। बाइक में ट्रैवल करते हैं तो डर रहता है ना, अनाया को ऐसे गोद में पकड़े रहती हूँ, और ऊपर से मैं कभी अभी सूट पार्सल मैंने रिसीव कर लिए तो इस चीज़ की ना काफ़ी ज़्यादा टाइम से हमें चलिए। अगर थोड़ा सा बुखार आ रखा है तो घर में ऐसा हो रहा है कि कोई है ही नहीं, नहीं तो यहाँ से वहाँ हंगामा करते रहता है वो और अन्नु भी सो गई है। मॉर्निंग दोस्तों, तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से, और आज लेट हो गई दूध लेने जाने के लिए। चलो, मेरे को तो लगा था लेट हो गई हूँ दूध नहीं मिलेगा, लेकिन अभी दूध निकाल ही रहे हैं। ये वो आंटी जी जो हमको दूध देती है, ये हमारी अम्मा है, अम्मा अम्मा है, अम्मा। ये देखो भैंसिया का दूध अम्मा के पास। अम्मा कितनी भैंसे हैं आपके पास? अब मेरे पास ना गूगल ट्रांसलेशन है, उसमें मैं ट्रांसलेट करके अम्मा से पूछूंगी कितनी भैंसे हैं। आपको हिंदी आती है? नहीं, अम्मा हिंदी वर्त बिल्कुल फोन में आओगे? फोन में यूट्यूब में अंकल जी भी आएंगे। और अंकल जी वहाँ दूध निकाल ले, वो देखो, और वो भैया दूध निकालते हैं, वो मालिक साहब है। तो मैं दूध लेके तो आ गई हूँ, अब मैं पीने वाली हूँ नारियल पानी। और यहाँ पे ना जो अम्मा है दूसरी वाली नारियल पानी वाली अम्मा, देखते हैं आज वो कितने में देती हैं। और पिछले दिन उन्होंने मुझे 10 रुपये में दे दिया था, कभी ये 20 रुपये में देती है, कभी 10 रुपये में देती है। मैं जाती हूँ, दिखाती हूँ आपको आज कितने में देती है। चलो, तो मैं पहुंच गई हूँ अम्मा की शॉप में, अम्मा की दुकान में। अम्मा नारियल, अम्मा कितने का दोगे? 20 ये 25 और ये 20। ओके, इसमें ना थोड़ा ये देखो, अम्मा ने काट दिया मेरे लिए नारियल। अम्मा आप वीडियो में आएंगी? अम्मा देखो थोड़ा, सुबह सुबह नारियल पीने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अम्मा स्ट्रॉ दे दो, वही फायदे लेने के लिए मैं ही आती हूँ सुबह दूध लेने के लिए। आज मेरे GoPro में थोड़ा कम चार्ज है ना, तो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो मैं आ गई हूँ घर को। चलो आप घर जाके नाश्ता वगैरह बनाते हैं, फिर मिलती हूँ। हो गया है दियाबाती करने का, और अब मैं दियाबाती कर लेती हूँ। चलो फिर दियाबाती करते हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता भी हो गया है, और अभी है फ्रूट खाने का टाइम। तो मैंने पपीते को छील लिया है अच्छे से, मत कर। और ये छीलने की तरकीब ना मैंने यहीं दुकानों से सीखी है, पूरा पहले ही छील लेने की। और इसमें ना बहुत सज्ज होता है छीलने के लिए, मतलब टुकड़े टुकड़े छीलने बहुत मुश्किल होते हैं, फटती जाता है ना, तो ये बढ़िया तरीके की स्कीम है।
चलो खाते हैं पपीता, बबीता को पपीता पसंद है। तो इस वक्त ना हम खाना वाना खा के बर्तन पूछा करके सो के भी उठ गए और ये तो घर पे नहीं है। तो हम लोग सारा मतलब अभी हम लोग नीरज और मैं ही हैं, अभी जस्ट उठी हूँ सो के, तो फ़ोन आया इसलिए उठ गई। अभी बज रहे 3:30। तो मैंने पिछले कुछ दिन पहले ना एक पार्सल ऑर्डर किया था अनाया के लिए, तो मैं वो लेने जा रही हूँ, बाहर भैया वेट कर रहे हैं, तो अनाया को भी लेके जाते हैं। फोन पे फोन पे तो अनाया का पार्सल मैंने रिसीव कर लिया। तो इस चीज़ की ना काफ़ी ज़्यादा टाइम से हमें ज़रूरत थी और फाइनली हमने ऑर्डर कर लिया है। चलो अंदर जाके अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है वो पार्सल, चलिए अनबॉक्स करते हैं। अनाया मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है इसको देखने के लिए, वो कह रही है दोस्तों अनाया ने ये मुंह पे डाला है और मैं कहूँ वो इसलिए खुश हो रही है कि पार्सल खोल रही हूँ, लेकिन वो इसे खा के खुश हो रही है, उसके ड्रेस में से निकला ये। वाव, 1 2 3, ये है वो पार्सल। आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा ऑनलाइन, तो फाइनली मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया इसको। ये देखो कैरी बैग है ये बच्चों का। अरे चलो मैं इसको फिट करके अनाया को बैठा के दिखाती हूँ। कहाँ लगेगा रे इसमें? अच्छा ऊपर देखो, अनु पैराग्लाइडिंग करने वाली है मैं, ये देखो नहीं कर नहीं कर तो मैंने ना ये ऑर्डर करा था और ये मैंने बड़ी मुश्किल से बांधा है अनाया को, बांधने में ऐसा लग रहा था कि मैं इसको पैरासूट में बैठा रही हूँ। ये भी डर रही थी एक पल के, लेकिन अभी ठीक है। कैसा लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है तेरे को इस पे? ये तो एंजॉय कर रही है तेरे को। कुछ इस तरीके से इसकी बेल्ट है और इस बेल्ट को लगाने में मुझे पहले अच्छे से आ रहा नहीं था क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया ना। अब ये भी ना एकदम उड़ उड़ाली है, सारे बच्चे बैठते, कितनी सारी फोटोज अपलोड की थी, ऐसा कर रही है देखो चिमोट काटने। हे हे, हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत दूर दूर ट्रैवल करते हैं, मतलब बाइक में ट्रैवल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बाइक में ट्रैवल करते हैं, तो डर रहता है ना अनाया को ऐसे गोद में पकड़े रहती हूँ और ऊपर से मैं कभी कभी सूट पहन लेती हूँ तो मुझे डर लगता है। तो मैंने ना सोचा कि क्यों ना प्रोटेक्टर, मतलब बैग होता है ना जो, वो क्या ऑर्डर कर लेते हैं, तो फाइनली हमने ऑर्डर कर लिया है। इसका प्राइस है 450 के अराउंड है और ये ना अभी देखते हैं, एक दिन इसको टेस्टिंग करेंगे इसकी अच्छे से। अभी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो काफ़ी टाइम पे ना, काफ़ी टाइम ऐसा होता है अनाया मुझे खाना बनाने नहीं देती है, मुझे किचन में आने नहीं देती है, अपना भी यहीं घुस जाती है। तो ये बहुत बढ़िया है, मतलब किचन में अगर ये मुझे काम नहीं करने दे रही है तो इसको भी लेके आओ और किचन में काम करना बुड़बक, ये ना मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, तो इसके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बहुत ही बढ़िया है, चलो चाय पीते हैं। तो इसका रिव्यू बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी इसका हाथ इधर से अंदर से इधर से नीचे जाए, आगे से जाएगा, अभी थोड़ा अच्छे से फिट नहीं बैठा है ये। चलो चाय पीते हैं। तो शाम को छत पे घूमने के मज़े ही कुछ और होते हैं। अन्नू और मैं आ गए हैं छत में, ये देखो अन्नू झूला झूल रही है मैडम। तो बस 15 मिनट टहलते हैं, उसके बाद चलेंगे नीचे क्योंकि खाना वाना अभी बनाना होता है ना। तो हम लोग छत में आए थे तो आंटी जी भी आई जो मकान मालकिन है, और साथ में उनके डॉगी भी आ गए, पांडा और ओरियो। और अनाया ना डॉगी से बहुत डरती है, देखो इसका रिएक्शन। डॉगी 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 ओरियो
अरियो अरियो पांडा 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 इतना डरता है ना, देखो पांडा बोलते ही भाग गया, ऐसे दुबक जाता है, ये नहीं डरता, ये तो नहीं डरती है ना। अरियो पांडा सिर्फ दूर से भौंकता ही हुआ और आ गया और आ गया। तो छत से आने के बाद मैंने ना सब्जी बना ली है, आटा आज हमारा इतना ही बच रखा है और आटा लेने जाएंगे अभी। ये साथ में मैंने कद्दूकस कर लिया है खीरा और बनाएंगे हम शिमला मिर्च की सब्जी प्लस रायता। आज ना भैया को थोड़ा सा बुखार आ रखा है तो घर में ऐसा हो रहा है कि कोई है ही नहीं, नहीं तो यहाँ से वहाँ हंगामा करते रहता है वो और अन्नू। अन्नू भी सो गई है और मैं उसको डांटते रहती हूँ, कभी वो ऐसा खचबच करता है कभी वैसे खचबच करता है ना, तो आज वो सो रखा है, उसको बुखार आया है, कल उसको दिखा के लाएंगे हॉस्पिटल। तो चलो फिर इनके लिए बना रही हूँ मैं नींबू पानी और अभी आए नहीं है, उनके आने तक बन जाएगा। ये देखो मैं भी पी लेती हूँ इसी पानी। चलो मैंने ना इसमें दही जमाई थी, दिमाग देखो इसको फ्रिज में रख दिया, मतलब आधी दही जमी थी आधा दूध डाल के फ्रिज में रख दिया और दूध दूध अलग हो रहा है और दही का जो पुराना वाला टुकड़ा था वो अलग हो रहा है। क्या दिमाग पाया है बबीता ने। अब रायता इसमें से निकाल के बनेगा क्या। अन्नू भी उठ गई है और अन्नू के पापा भी आ गए हैं साथ ही साथ में ना, अन्नू के पापा अन्नू के मामा को लेके गए हैं यहीं पे पास में। तो वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आता है हमारा ये वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और साथ ही साथ में 550 लाइक्स का टारगेट आप पूरा कर देना। ये कैसा मुंह बनाती है यार अन्नू। राधे राधे। Yeah.